हम लोगों ने जिस सेल के बारे में पढ़ा है उसका ईएमएफ 1.2 वोल्ट, 1.4 वोल्ट, 1.5 वोल्ट कितना ही होता है और 1.5 वोल्ट का पुश बहुत ज़्यादा नहीं होता है। हमको अपनी मशीन चलाने के लिए जैसे कार का सेल्फ स्टार्टर, इस तरह की दूसरी मशीनों को चलाने के लिए हमको ज़्यादा पुश की ज़रूरत है और ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, ज्यादा पावर की जरूरत होती है। पावर इज व्हाट? वर्क पर यूनिट टाइम, दैट इज एनर्जी पर यूनिट टाइम। तो एक सेकंड में बहुत एनर्जी निकलनी चाहिए और एनर्जी होती है आई स्क्वायर इनटू आर, यानी बहुत ज्यादा करंट चाहिए। तो 1.2 वोल्ट की बैटरी या 1.5 वोल्ट का सेल उतनी ज्यादा करंट हमको नहीं दे सकता और 1.5 वोल्ट का टेंशन भी बहुत कम होता है जो हैवी मशीन को नहीं चला सकता है, बल्ब को जला सकता है। सो देर इज ए नीड दैट वी शुड इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस, दैट मींस वी शुड इंक्रीज द ईएमएफ एंड देर इज ए नीड दैट वी शुड इंक्रीज द करंट। हमको ईएमएफ भी बढ़ाना है और करंट भी बढ़ाना है, बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट नो द सेल्स which have got higher potential difference or which have got higher capacity of current. Then the only solution with us is to combine the cells. एक से ज्यादा cell को combine करके हम ये result ला सकते हैं कि उसका EMF भी increase हो जाए और current भी increase हो जाए. So what is purpose of combining the cells? To increase their power in terms of EMF and in terms of current. Totally in terms of power. Now, how do we combine the cells? Again, combination of any element in electricity has got two methods, in series and in parallel. So we will see how there is an effect on current due to series combination and due to parallel combination. सीरीज से क्या इफेक्ट होता है, पैरेलल से क्या इफेक्ट होता है करंट में, उसको हम देखते हैं। तो कहां से स्टार्ट करें पहले? सीरीज, ओके, सीरीज कॉम्बिनेशन। फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस हम ये काम करेंगे कि हम जो सेल लगा रहे हैं हम ये मान लेते हैं कि सभी सेल का एक ही डिजाइन है। दैट मींस अगर एक का ईएमएफ ई है तो दूसरे का भी ई है, तीसरे का भी ई है, लाइक दैट। ओके, ये हमने 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे यहां पर एन सेल्स लगा लिए, एन सेल्स। अब हर सेल के साथ में एक चीज इम्बाइब होती है जिसको हम हटा नहीं सकते। व्हाट इज दैट? What cannot be removed from a cell? Answer: internal resistance. क्योंकि ये उसका पार्ट होता है। अगर सेल है तो क्यों है? क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है, और अगर इलेक्ट्रोलाइट है और चार्जेस ने मूव करना है तो रेसिस्टेंस है। सो दैट इज ए कंपल्सरी पार्ट। सो विद ईच वी विल शो इंटरनल रेसिस्टेंस। So let us assume that every cell has got EMF E and internal resistance R. Okay, this plus plate, this is minus, this is plus, this is minus. So minus of each is connected with the plus of the next, or
हम जब टॉर्च में सेल डालते हैं या किसी चीज में सेल डालते हैं, इसका प्लस इधर माइनस इधर, ये हम उसमें ऐसा डालेंगे, उसके बाद दूसरा सेल लेकर आएंगे उसका प्लस इधर, ये माइनस है, माइनस की तरफ प्लस और इधर फिर से प्लस माइनस, इसका माइनस इधर और प्लस इधर, प्लस माइनस प्लस माइनस, एक और अगर हमने लगाया फिर ऐसा, नाउ प्लस हियर माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और आप ये देख रहे हैं टोटल हाइट ऐसे बढ़ गई, टोटल वोल्टेज इंक्रीज हो गई। व्हाट हैपेंस टू वोल्टेज, व्हाट इज वोल्टेज, वर्क डन व्हेन वी टेक ए चार्ज फ्रॉम हियर, दिस विल गिव इट ए वर्क डन और एनर्जी इक्वल टू ई, दिस विल ऑल्सो गिव ई, दिस विल ऑल्सो गिव ई, दिस विल ऑल्सो गिव ई, एंड इन सीरीज चार्ज हैज टू पास थ्रू ऑल, चारों में से गए बिना चार्ज नहीं जा सकता, सब में से जाना पड़ेगा, और हर सेल उसको कितनी एनर्जी देगा ई। तो जब सेल, जब एक चार्ज यहां से निकलेगा, इसकी 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 सब की एनर्जी उसको मिल जाएगी, और उसके पास टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी एन ई। एक सेल कितनी एनर्जी दे रहा है ई, कब एनर्जी देता है सेल, जब वो माइनस से प्लस ऐसे आता है। तो यहां से हमने इसका कनेक्शन किया और एक यहां पर अपना एक्सटर्नल लोड लगाया आर, ये ओके। तो अब जब इसमें चार्ज का मूवमेंट होगा, अब जब इसमें यहां से चार्ज का मूवमेंट होगा, पॉजिटिव चार्ज यहां से निकलेगा, देखिए ये इसने ऐसे चार्ज को रोटेट किया, घुमाया, फिर यहां से ऐसे घुमाया, तो जब ये ऐसे घुमाएगा तो कितने सेल इसको चार्ज देंगे, कितने सेल एनर्जी देंगे, ऑल, क्योंकि उसको यहां से निकलना है। हमारी बैटरी के दो टर्मिनल कहां है, तो हमारा आंसर है हमारी बैटरी के दो टर्मिनल यहां, ये हमारी बैटरी है, तो एक टर्मिनल यहां और एक टर्मिनल यहां, ये टर्मिनल है पॉजिटिव, ये टर्मिनल है नेगेटिव। तो चार्ज यहां से एंटर करेगा और अंदर एनर्जी लेते जाएगा लेते जाएगा, फिर यहां से निकलेगा वर्क करने के लिए, यहां वर्क करेगा, एनर्जी खत्म, फिर तो कितनी एनर्जी लेके आएगा, जितने सेल होंगे, और उस एनर्जी को मेजरमेंट क्या है, ईएमएफ। सो द टोटल ईएमएफ और द वोल्टेज ए बी, ए इसके साथ लगा है, बी इसके साथ लगा है, ओके, नेट ईएमएफ इज इक्वल टू एन टाइम्स ई, ये so what happened to it, increased or decreased, increased, how many times, n times, जितने सेल लगाएंगे उतने टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। अब मुझे बताइए, मुझे एक बल्ब जलाना है जो अपनी फुल पावर से जलता है जब उसको 6 वोल्ट मिलता है, तो 1.5 वोल्ट के ये वाले सेल मुझे कैसे लगाने होंगे, आंसर सीरीज में लगाने होंगे, और कितने, 4, 1.5, 1.5, 1.5, 1.5, टोटल वोल्टेज कितनी हो गई, 6 वोल्ट, समझ आया। तो जब भी वोल्टेज इंक्रीज करनी है, ईएमएफ इंक्रीज करना है, व्हाट इज द सॉल्यूशन, हाउ टू जॉइन द सेल्स इन सीरीज, हाउ मेनी, दैट इज ई प्लस ई प्लस ई, व्हाट एवर इज अवर रिक्वायरमेंट, ओके। तो ये हो गया सीरीज, वोल्टेज विल ऑलवेज इंक्रीज। नाउ we will see what is happening to current. Current क्या होती है, calculation. Current is potential difference divided by resistance. So we must know how much is resistance of the charge when it is moving through one cycle. Total resistance is 1R, 2R, 3R, 4R, and how many cells are there? N. N, R. और ये charge जब यहां से ऐसे जाएगा, then this will be the resistance added to it. NR plus R. ये आ गया
टोटल रेसिस्टेंस। अच्छा, इसके बाद देखिए हाउ मच विल बी दी करेंट। करेंट का जनरल फॉर्मूला क्या होता है? EMF डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस। बिटवीन ए टू बी हाउ मच इज दी EMF? एन ई। हाउ मच इज दी रेसिस्टेंस? एन आर प्लस आर। सो दिस इज करेंट ऑफ सीरीज, करेंट इन सीरीज। अब ये करंट इन सीरीज किसकी है? कॉम्बिनेशन की। ये करंट इन सीरीज जो कॉम्बिनेशन है ये बढ़ी कि नहीं बढ़ी? कंपेयर टू व्हाट? कंपेयर टू ए सिंगल सेल। तो इसका कंपैरिजन यहां देखिए, फॉर ए सिंगल सेल करेंट इज ई अपॉन आर प्लस आर। ठीक है, यही होगा। एक सेल हमने लिया, उसके अंदर कितना रेसिस्टेंस है आर, और बाहर कितना लगाया कैपिटल आर, टोटल रेसिस्टेंस कितना हो गया आर प्लस आर, तो करेंट इज ई अपॉन आर प्लस आर। ओके, फॉर सिंगल सेल। अब इन दोनों को कंपेयर कैसे करना है? तो इसको कंपेयर करने के लिए हमने एक मेथड निकाला। हमारे पास दो ऑप्शन हैं। द टू ऑप्शंस आर वेदर आउटसाइड रेसिस्टेंस, दैट इज एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, इज लार्ज कंपेयर टू इंटरनल रेसिस्टेंस, और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज स्मॉल कंपेयर टू इंटरनल रेसिस्टेंस। दोनों तरह के सर्किट हम बना सकते हैं, होते हैं। जैसे कार के सर्किट में हम हैवी मशीन लगाते हैं, सेल्फ जनरेटर मोटर, मोटर हमने लगाई, हेडलाइट लगाई, हॉर्न लगाया, ये सब बहुत हाई करंट लेते हैं, और जो चीजों में करंट हाई होती है उसका रेसिस्टेंस हमेशा कम होता है। ये अगर करंट हाई ले रहा होगा तो रेसिस्टेंस कैसा होगा? हाँ, लो होता है। हमेशा याद रखिए, ज्यादा रेसिस्टेंस वाली चीज की करंट कम और कम रेसिस्टेंस वाले की करंट ज्यादा, लार्ज। ओके, तो जब ये सारी हैवी मशीनरी होती तो ये रेसिस्टेंस बहुत कम हो जाता है कंपेयर टू ऑल दीज रेसिस्टेंसेस। हो सकता है कभी ऐसी चीज हो सकती है कि हमारा लोड बहुत कम है, टॉर्च की बैटरी का एक बल्ब, वो करंट बहुत कम लेता है। अगर करंट कम लेता है दैट मींस उसका रेसिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और बैटरी के सेल का रेसिस्टेंस बहुत कम है। सो वी कैन हैव बोथ द केसेस, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस वेरी लार्ज, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस वेरी लो। ओके, दोनों केसेस को हम अलग अलग समझेंगे वन बाय वन। केस वन, आर इज मच लार्जर देन आर। अब इसमें हम क्या फैसिलिटी एक ले लेते हैं कि जो चीज ज्यादा होती है और जो बहुत छोटी होती है, स्मॉलर वन को नेग्लेक्ट कर देते हैं कंपेयर टू बिगर वन, सो दैट वी कैन रीच ए डिसीजन, अदरवाइज हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। सो फॉर द सेक ऑफ डिसीजन विद स्मॉल एरर वी टेक इट एज द स्मॉलर वन इज नेग्लेक्टेड। अब इसमें हम किसको नेग्लेक्ट कर देंगे? स्मॉल आर को नेग्लेक्ट कर देंगे। तो अब बताइए करंट इन सीरीज, करंट इन सीरीज कितनी हो जाएगी ये, और इसमें किसको नेग्लेक्ट करना है? स्मॉल आर नेग्लेक्टेड, एन ई अपॉन आर, एन ई अपॉन आर। केस वन, व्हेन आर इज वेरी लार्ज कंपेयर टू आर, देन
current in one cell, current due to one cell. करेंट ड्यू टू वन सेल, बताइए कितनी होगी? ये वाला, ये जो वन सेल की करंट है, किसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं हम, तो कितनी हो जाएगी? ई अपॉन आर. अगर हम एक सिंगल सेल लगाएंगे तो करंट ई अपॉन आर होगी, और अगर हम एन सेल लगाएंगे तो कितनी होगी? एन ई अपॉन आर. तो सीरीज में करंट इंक्रीज हुई या नहीं हुई? हुई. कितने टाइम्स? एन टाइम्स. सिंगल सेल लगाते तो ई अपॉन आर होती, और एन सेल लगा दिए तो एन ई अपॉन आर होगी. द करंट हैज इंक्रीज्ड. दिस इज व्हाट केस वन. अब लेते हैं केस टू, वेयर आर इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू आर. एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, इंटरनल रेसिस्टेंस इज मच हाई. ऐसे में ड्यू टू सिंगल सेल करंट कितनी होगी? किसको नेग्लेक्ट करेंगे? विच इज वेरी स्मॉल. तो ड्यू टू सिंगल सेल कितनी आई? ई अपॉन आर. अच्छा, अब हम देखते हैं कॉम्बिनेशन में सीरीज में कितनी आई. करंट इन सीरीज, आई इन सीरीज इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला हमने पकड़ा. बताइए किसको नेग्लेक्ट करें? कैपिटल आर को नेग्लेक्ट कर देते हैं. सो दिस इज एन ई अपॉन इज इक्वल टू अब देखिए, अगर हम सिंगल सेल लगाते तो करंट कितनी आती है? अगर हमने सीरीज में सेल लगा दिए तो भी करंट कितनी? कोई चेंज नहीं. कौन से केस में? जब बाहर का रेसिस्टेंस बहुत छोटा हो. अगर बाहर का रेसिस्टेंस छोटा है तो सीरीज में लगाने से करंट बढ़ा सकते हैं क्या? नहीं. समझ आया? बाहर का रेसिस्टेंस बड़ा है तब करंट बढ़ाने के लिए हमको क्या करना है? सीरीज में लगाना है. ठीक है, ये याद रखिए. सो दिस इज सीरीज. फिर से, व्हाट इज द इफेक्ट ऑन ईएमएफ? इंक्रीज. व्हाट इज द इफेक्ट ऑन टोटल रेसिस्टेंस? ऑफ कोर्स दिस इज इंक्रीज. आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर, दिस इज इंक्रीज. बट व्हाट इज द इफेक्ट ऑन करंट? दिस डिपेंड्स वेदर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज लार्ज और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज स्मॉल. दोनों तरह के इफेक्ट होते हैं, ये दोनों आपको याद रखने. एंड नाउ वी विल सी द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इन पैरेलल. ये तो सीरीज बना रहा हूं. वी हैव टू मेक पैरेलल.
Now A to B, how these are connected? The cells are connected in parallel because for charge going from A to B, this is one path, this is parallel path, this is again a parallel path. Tino path parallel hai, isliye ye parallel combination hai. E, E, E. और ये दो टर्मिनल हैं ए और बी, इन दोनों टर्मिनल से हमने एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस लगा दिया आर. दिस इज हाउ वी कनेक्ट इन पैरेलल. अब पैरेलल में तीनों इफेक्ट देखते हैं, दैट इज ईएमएफ, रेसिस्टेंस एंड करंट. सबसे पहले ईएमएफ, यहां से बी से एक चार्ज को ए तक भेजिए, कितनी एनर्जी लेगा? वो यहां से गया इस रास्ते से, ये बैटरी ने कितनी एनर्जी दी उसको? ई. और कहां पहुंच गया? ए. कितनी एनर्जी मिली उसको? ए, ई. दूसरा चार्ज गया, वो या तो इधर जा सकता है या इधर जा सकता है, आइदर दिस वे और दिस वे, इट कैन नॉट गो बोथ द वेज. सपोज दैट चार्ज गोज इन दिस पाथ, जैसे ही वो बैटरी के अंदर से गया, जैसा मैंने बताया बैटरी के अंदर से गया, कॉपर टू जिंक उसको एनर्जी मिले, या जिंक टू कॉपर उसको एनर्जी मिली, कितनी? ई. कितनी एनर्जी लेके आया? ई. ई क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, वी. तीसरा चार्ज इधर से गया, उसके पास भी कितनी एनर्जी? ई. तो जितने भी चार्ज आते हैं, हर एक को सिर्फ एक सेल मिलता है रास्ते में एनर्जी लेने के लिए, इसलिए उसकी एनर्जी कितनी होती है? ई. पोटेंशियल डिफरेंस इज ऑलवेज क्रिएटेड एज ई, एनर्जी का लेवल ई हाई होता है. सीरीज में क्या होता था? सीरीज में ये जो यहां से चार्ज एंटर जाएगा, कंपलसरी इससे भी एनर्जी लेनी है, दूसरा रास्ता है नहीं, इससे भी एनर्जी लेता है, और रास्ता नहीं है, इससे भी एनर्जी लेता है, इसलिए उसकी टोटल एनर्जी कितनी होती है? एन मल्टीप्लाइड बाई ई. तो उसका वोल्टेज कितना हो गया? एन इंटू ई. लेकिन पैरेलल में हर चार्ज को सिर्फ एक सेल पार करना है और बाहर आ गया बैटरी के, कितनी एनर्जी? ई. उसके पास रास्ता नहीं है कि वो दूसरे में से जाए, इट हैज टू गो ओनली थ्रू वन. इसलिए हर चार्ज के पास ईएमएफ कितना? ई. तो बाद में हमने देखा, इन दोनों को नापा, हर चार्ज के पास ईएमएफ ही है, दैट इज द नेट ईएमएफ. सो ईएमएफ नेट इज ई. राइट. अब रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस देखिए, यहां बनाता हूं मैं. यहां से ओके, ए और बी के बीच रेसिस्टेंस, ना ए और बी के बीच नहीं, जो चार्ज इस सर्किट में पूरा दौड़ता है उसका रेसिस्टेंस. यहां से ऐसे चार्जेस आए और ये तीन पाथ से गए, फिर यहां कंबाइंड हुए, फिर यहां पर आए, फिर ये तीन पाथ में डिस्ट्रीब्यूट हुए, फिर ऐसे आए, फिर कंबाइंड हुए, फिर डिस्ट्रीब्यूट हुए. तो अब मुझे आप ये बताइए कि ये जो चार्जेस मूव कर रहे हैं, कहां से कहां सीरीज है, कहां से कहां पैरेलल है? रास्ते इनके, वेयर आर द पैरेलल पाथ्स, वेयर इज द सीरीज पाथ? ये थोड़ा ट्रिकी है. तो बी से ए तक जब ये चार्जेस मूव करते हैं, इनके पास कितने रास्ते हैं? तीन. और ये तीनों रास्ते आपस में कैसे हैं? पैरेलल. तो ये जो तीन रेसिस्टेंस हैं, ये रेसिस्टेंस आपस में कैसे कंबाइंड होंगे, किस फॉर्मूला से? पैरेलल और सीरीज.
पैरेलल से, ठीक है। अब ये सारे के सारे चार्ज बाहर आ गए, ओके। बाहर आने के बाद भी सब चार्जेस को किसमें से जाना पड़ता है, बड़े वाले आर में से, तो वो कैसा होगा सीरीज में, ठीक है। सो टोटल रेसिस्टेंस विल बी दीज एन रेसिस्टेंस इन पैरेलल, कितना रेसिस्टेंस हो जाएगा जी, नहीं आर अपॉन एन। सो एन रेसिस्टेंस इन पैरेलल कितने होते हैं डिवाइडेड बाय एन, और एन रेसिस्टेंस इन सीरीज कितने होते हैं, एन मल्टीप्लाइड बाई आर, याद आया, ठीक है। तो एन सीरीज, एन इन सीरीज इज एन मल्टीप्लाइड बाई आर, एन रेसिस्टेंसेज इन पैरेलल इज आर डिवाइडेड बाई एन, ओके। तो ये किसके लिए हो गया, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, आफ्टर दैट दिस इज इन सीरीज, ये सीरीज में है उसके बाद, और सीरीज में है इसलिए सिंपल एडिशन आर, दिस इज द टोटल रेसिस्टेंस, ठीक है, याद रहेगा। ये किसके लिए है, हाँ पैरेलल, और ये किसके लिए है सीरीज, एंड दिस इज द टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस कहाँ, आंसर है इन द टोटल सर्किट ऑफ द करंट, यहां से इन तीनों से करंट ऐसे निकल के आई, ये करंट ऐसे फ्लो हुई और फिर ऐसे आई, इस करंट के पूरे एक साइकिल में कितना रेसिस्टेंस आता है, ये आर अपॉन एन और ये वाला आर। तो ये इस कॉम्बिनेशन के साथ, इस बैटरी के साथ ये सीरीज में है, पर बैटरी के अंदर ये तीनों कैसे हैं पैरेलल, तो इसलिए अंदर वालों पे क्या लगा पैरेलल फॉर्मूला और बाहर वाले पे सीरीज फॉर्मूला, दिस गिव्स द टोटल रेसिस्टेंस। अगर आप इसको मैथमेटिकली सिंप्लीफाई करेंगे देन दिस विल बी, ये इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, एन आर प्लस आर डिवाइडेड बाय एन, ठीक है, दिस इज द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। नाउ वी गो फॉर द करंट, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, ईएमएफ डिवाइडेड बाय, यस इसका ईएमएफ आप निकाल चुके हैं कितना है ई, और रेसिस्टेंस अपॉन एन, ये एन ऊपर चला जाएगा, एन ई अपॉन प्लस आर, ये आ गई करंट इन पैरेलल। करंट इन पैरेलल और करंट इन सीरीज दोनों के ऊपर क्या है, एन ई, ई इज व्हाट ईएमएफ ऑफ वन सेल, एन इज व्हाट द नंबर ऑफ टोटल सेल, तो दोनों में ऊपर कौन आता है, एन मल्टीप्लाइड बाय ई डिवाइडेड बाय आर प्लस आर, आर प्लस आर, आर प्लस आर। तो यहां पर एन किसके साथ है, स्मॉल आर के साथ, और यहां किसके साथ है, बस ये डिफरेंस है। तो ये आपको याद रखना है, पैरेलल में एन किसके साथ है, कैपिटल आर के साथ, और सीरीज में किसके साथ है, स्मॉल आर के साथ। अच्छा, अब फिर से हमको फैसला करना है कि इसमें करंट बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, और कब बढ़ती है। हमारे पास दो कंडीशन क्या होती हैं, एक्सटर्नल आर इज मच लार्जर और मच स्मॉलर, यहां पर अब हम लेते हैं करंट कंडीशंस फॉर सिंगल सेल, आई आपको मालूम है कितना होता है, ये एक ही सेल है इसलिए n की वैल्यू 1 कर देंगे, n की वैल्यू 1 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, e अपॉन r प्लस r। अब हम दो स्पेशल केसेस लेते हैं, नंबर वन r इज वेरी मच लार्जर देन r,
अगर r छोटे r से बहुत बड़ा है तो किसको नेगलेक्ट करना है? स्मॉल r को नेगलेक्ट करिए. करंट कितनी आ जाएगी? यस, I इन पैरेलल इज इक्वल टू E अपॉन R. ये R नेगलेक्ट हो गया. अब ये बताइए फॉर सिंगल सेल कितनी होगी? फॉर सिंगल सेल यहां पर भी हमने छोटे R को नेगलेक्ट किया. फॉर सिंगल सेल I इज इक्वल टू E अपॉन R. ये दोनों में कोई चेंज, कोई फायदा हुआ पैरेलल बनाने का? नो यूज. समझ आया? तो किस तरह के सर्किट में, व्हाट टाइप ऑफ सर्किट पैरेलल कॉम्बिनेशन इज ऑफ नो यूज? रेसिस्टेंस का रिलेशन बताइए, विच इज लार्ज विच इज स्मॉल. व्हेन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज वेरी लार्ज, internal resistance is very small, then there is no use having the parallel combination because the current will not increase. समझ आ गया? अब दूसरा हम लेते हैं, second case. When this external R is much smaller than internal R, तब IP कितना होगा? IP किसको नेगलेक्ट करना है? जीरो. दिस बिकम जीरो. ये कितना हो गया? N E अपॉन R. अगर सिंगल सेल होता, फॉर सिंगल सेल ये करंट कितनी होती? वेरी गुड, E अपॉन स्मॉल R. ये कैपिटल R को नेगलेक्ट किया तो I फॉर सिंगल सेल इज E अपॉन R, लेकिन I फॉर N सेल इज N E अपॉन R. N टाइम्स करंट बढ़ा ली हमने. किसमें? पैरेलल में. तो पैरेलल में किस केस में करंट इंक्रीज होती है? व्हेन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज स्मॉल. फिर से एक एक चीज याद रखते, पैरेलल में करंट कब इंक्रीज होती है? व्हेन एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज स्मॉल. सीरीज में करंट कब इंक्रीज होती है? एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज लार्ज. ठीक, ये दोनों शर्त आपने याद कर ली. और यही क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इफ इन ए सर्किट एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज मच लार्जर देन द इंटरनल रेसिस्टेंस, देन विच कॉम्बिनेशन विल यू यूज टू इंक्रीज द करंट? आंसर क्या आएगा? सीरीज. और अगर उन्होंने उल्टा कर दिया, दैट एक्सटर्नल रेसिस्टेंस इज स्मॉल कंपेयर टू इंटरनल रेसिस्टेंस, देन विच कॉम्बिनेशन यू विल नीड टू इंक्रीज द करंट? आंसर पैरेलल. ठीक है, दिस इज द डिफरेंस इन सीरीज एंड पैरेलल. ओके, और डिफरेंस देखिए, इन इफ वी वांट टू इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ, अगर ईएमएफ बढ़ाना है तो कैसा कॉम्बिनेशन करना है? सीरीज की पैरेलल? कंपलसरी सीरीज. हम ये मानते हैं कि बाहर का रेसिस्टेंस हमेशा कम होता है. क्यों? क्योंकि हम हैवी मशीनें चलाते हैं, कार का सेल्फ चलाते हैं और कार की हेडलाइट बड़ी बड़ी चलाते हैं, उन सब के रेसिस्टेंस बहुत कम होते हैं. ओके, तो कम रेसिस्टेंस के लिए हमको कैसा कॉम्बिनेशन करना चाहिए? पैरेलल. ज्यादा करंट चाहिए, पर्पस क्या है? ज्यादा करंट चाहिए और एक्सटर्नल रेसिस्टेंस कम है, तो कैसा कॉम्बिनेशन चाहिए? पैरेलल, द करंट विल इंक्रीज. लेकिन इसमें ड्रॉबैक क्या है पैरेलल में? यस, ड्रॉबैक क्या है कि वो 1.5 वोल्ट का हमने सेल लिया, एन सेल हमने जोड़ दिए, करंट एन टाइम बढ़ गई, लेकिन वोल्टेज कितना? 1.5 वोल्ट में इतना कम पुश होता है कि हमारे बल्ब में कोई लाइट ही नहीं आती. दैट इज अगेन ए प्रॉब्लम. सो व्हाट वी वांट
1.5 वोल्ट से हमारा सेल्फ नहीं चलता है, हमको वोल्टेज भी चाहिए, करंट भी चाहिए। हम वोल्ट भी इंक्रीज करना चाहते हैं और करंट भी इंक्रीज करना चाहते हैं। व्हाट इज द सॉल्यूशन? द आंसर इज, द सॉल्यूशन इज दैट वी शुड हैव ए मिक्स्ड कॉम्बिनेशन जिसमें सीरीज भी हो और पैरेलल भी। एनीवे, अभी तक हमने क्या स्टडी कर लिया? प्रिंसिपल ऑफ सीरीज एंड प्रिंसिपल ऑफ पैरेलल। इन सीरीज व्हाट इंक्रीजेस? पोटेंशियल डिफरेंस। याद रखिए, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने के लिए क्या करना है? सीरीज। करंट बढ़ाने के लिए क्या करना है? पैरेलल। क्योंकि पैरेलल करने से इंटरनल रेसिस्टेंस कम होता जाएगा। पैरेलल में अगर इंटरनल रेसिस्टेंस कम हो गया तो करंट उसकी इंक्रीज हो जाएगी। एक सिंपल प्रिंसिपल, समझ में आ गया? सो दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सीरीज एंड पैरेलल। पैरेलल में ईएमएफ में क्या चेंज होते हैं? नो चेंज, सेम। अगर हम 10 सेल पैरेलल में लगा देंगे 1.5 वोल्ट के, तो भी हमको ईएमएफ कितना मिलेगा? 1.5। समझ आ गया? बिकॉज एवरी चार्ज विल हैव अपॉर्चुनिटी टू गो थ्रू ओनली वन सेल, इसलिए उसका ईएमएफ 1.5 ही रेज होगा, उससे ज्यादा रेज नहीं होगा। ओके, सो नाउ वी विल स्टडी ए कॉम्बिनेशन इन विच वी कैन इंक्रीज द पोटेंशियल एज वेल एज वी कैन इंक्रीज द करेंट। दोनों हम इंक्रीज करना चाहते हैं एंड दैट विल बी ए मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ओके, सो नाउ विल स्टडी मिक्स्ड।